तो गाइस जेब्रोनिक्स ने अपना नया ब्लूटूथ स्पीकर लॉन्च कर दिया और इसका नाम आपको मिलता है जेब्रोनिक्स ब्लो 40। और आज की वीडियो में इसी की अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। मेरा नाम है अपूर्व और आप देख रहे हैं टेक कंसर्न। चले देर किस बात की, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस अगर बॉक्स ओवरव्यू की बात करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको बॉक्स में देखने को मिलता है। यहाँ पर TWS फंक्शन आपको मिल जाता है और यहाँ पर कलर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाती है। जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग, मॉडल नेम मिल जाता है। और राइट साइड में बात करें तो यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिलती है इसी ब्लूटूथ स्पीकर से जुड़ी हुई। अगर मैं यहां पर आपको जूम इन करके दिखाऊं तो आप इजीली पढ़ पाएंगे। जैसे यहां पर आपको स्पेसिफिकेशन में मिलता है आपको कंप्लीट 8 वोल्ट का यहां पर आउटपुट देखने को मिल जाता है। साथ साथ USB और माइक्रो SD कार्ड का आपको सपोर्ट मिलता है। 32 GB सपोर्टिव है यहां पर। और चार्जिंग टाइम आपको 3 घंटे का मिलता है, प्लेबैक टोटल 6 आवर्स का मिलता है। और ये कुछ और डिटेल आपको मिलती है। और नेट वेट इसका 420 ग्राम आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहां पर जो बॉक्स पैकेजिंग की प्राइसिंग है वो यहां पर 1999 रुपये, बट एक्चुअल प्राइसिंग काफी ज्यादा कम है। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो कुछ बॉक्स में से इस तरीके से आप निकाल सकते हैं स्पीकर को। तो गाइस बॉक्स में आपको सबसे पहले कि इस तरीके से यहां पर यूजर मैनुअल देखने के लिए मिलती है। बारीक सा पेपर आपको मिलता है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद गाइस यहां पर आपको माइक्रो USB टू USB टाइप ए टाइप की केबल देखने के लिए मिलती है। चार्जिंग में आपके हेल्प में आने वाली है। क्वालिटी आपको एवरेज इसकी भी मिलती है। उसके बाद गाइस आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है ऑक्स केबल, और इससे आप ऑक्स के थ्रू भी यूज कर पाएंगे। और एट द एंड आपको यहां पर मेन जेब्रोनिक्स ब्लो 40 स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। अगर इसकी बात करूं तो कंप्लीट आपको इस तरीके से सर्कुलर डिजाइन देखने को मिलता है, एक तरीके से बोल आप यहां पर बोल सकते हैं। अपर साइड में इसका बेस रेडिएटर यहां पर मेंशन है, और अपर साइड में और कुछ आपको नहीं मिलता है। साथ ही साथ फ्रंट साइड में आपको जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग मिलती है, उसके नीचे यहां पर इसका बार कोड जेब्रोनिक्स के साथ। बॉटम साइड में इसके कंप्लीट आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं इसे सभी बटन फंक्शन। सो अगर बटन फंक्शन की मैं बात करूं तो गाइस यहां पर आपको अपर साइड में प्ले एंड पॉज मिलता है, फिर आपको वॉल्यूम माइनस और प्लस बटन मिलता है, नीचे आपको म्यूट बटन मिलता है। और इसी की मदद से आप यहां पर इन्हें मल्टीपर्पज यूज से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रैक को फॉरवर्ड बैकवर्ड करने में, कॉल को आंसर और रिजेक्ट करने में। अपर साइड में आपको यहाँ पर माइक्रोफोन देखने को मिलता है। बॉटम साइड में आपको यहाँ पर ऑक्स का सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर आप USB भी लगा सकते हैं, नीचे आपको TF सपोर्ट मिल जाता है। चार्जिंग पोर्ट आपको मिलता है और ऑन ऑफ बटन मिलता है, LED लाइट इंडिकेटर भी मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको प्रेस एंड ऑन नहीं मिलता है, जस्ट आपको स्लाइड करना है और कुछ इस तरीके से आपका स्पीकर यहाँ पर ऑन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका स्पीकर ऑन हो चुका है। फ्रंट साइड में इसके सभी जो स्पीकर है वो यहाँ पर मेंशन है। बेस रेडिएटर से आपका बेस यहाँ पर आता है। सो गाइज ये थी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इसी जेब्रोनिक्स स्पीकर की। अब मैं अगर इसकी कंप्लीट बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो गाइज कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड आपको देखने को मिलती है। जो स्ट्रैप यहाँ पर यूज़ किए गए वो काफ़ी ज़्यादा चीप मैं बोलना चाहूँगा, बट ओवरऑल यूज में आएगी, आप इसे कैरी कर सकते हैं अपने साथ। प्लास्टिक बिल्ड के साथ क्लोथिंग फैब्रिक यहाँ पर आउटर सरफेस पे यूज़ की गई है, और काफ़ी बड़ा सा यहाँ पर आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस स्पीकर के अंदर गाइज आपको 55 mm के ड्राइवर्स देखने के मिलते हैं, जो कि आपको 8 वोल्ट का कंप्लीट आउटपुट यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं। और अगर इसके कुछ और फीचर्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पर कनेक्टिविटी में वायरलेस ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। ऑक्स के साथ आप चला सकते हैं, USB और माइक्रो SD कार्ड के साथ भी आप यहाँ पर म्यूजिक चला पाएंगे। साथ साथ बिल्ट इन FM रेडियो का फंक्शन आपको मिलता है, ऑक्स के साथ भी आप यहां पर चला सकते हैं। तो मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन आपको मिलते हैं इसी जेब्रोनिक्स स्पीकर के अंदर। साथ साथ कॉलिंग फंक्शन भी आपको मिल जाता है, और सभी यहां पर बिल्ट इन माइक्रोफोन की मदद से आप इजीली इसके साथ कॉलिंग को भी यहां पर यूज में ले सकते हैं। फैब्रिक फिनिश आपको मिल जाती है। तो ओवरऑल ये सभी डिटेल्स आ जाती हैं इसी स्पीकर की। अब मैं आपके साथ इसका ऑडियो सैंपल शेयर कर रहा हूं, उसे सुनिए, उसके बाद बात करते हैं इसकी फाइनल वर्डिक्ट में। आपने सुना, ये था कंप्लीट साउंड आउटपुट इसी जेब्रोनिक्स पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर ब्लो 40 का। अब गाइज मैं अगर अपने ओपिनियन की बात करूं तो सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए आपको पर्सनली कैसा लगा इसका साउंड आउटपुट। मैंने लेपल माइक के थ्रू आपके साथ इसका ऑडियो सैंपल शेयर किया है। बाकी अगर मैं गाइज अपने ओपिनियन की बात करूं तो सबसे पहले आपको बताऊंगा, जैसे कि यहां पर आपको 55 mm के ड्राइवर मिलते हैं, तो साइज तो डेफिनेटली इसका थोड़ा बड़ा हो जाता है ड्राइवर साइज के हिसाब से, बट लाउडनेस काफी ज्यादा आपको यहां पर सुनने के लिए मिलती है। तो लाउडनेस में मुझे कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं है, और
लाउडनेस होने के साथ साथ ये नहीं है कि आपको यहाँ पर डिस्टोर्शन फील होगा, डिस्टोर्शन आपको नहीं मिलता है। अगर मैं बात करूँ इसके हाई मिड्स और लोज की तो वो आपको बैलेंस मिलते हैं, और ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर बेस सेगमेंट की बात करूँ तो बेस आपको डिसेंट मिलता है। यहाँ पर बेशक आपको बेस रेडिएटर मिल जाता है, बट बेस आप यहाँ पर एवरेज मान के चलिए। बाकी इसकी प्राइसिंग के साथ भी हम इसे कंपेयर करेंगे कि उस हिसाब से यहाँ पर कैसा ये स्पीकर निकल के आता है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, मैंने यहाँ पर यूट्यूब की वीडियोस भी देखी हैं, नॉर्मल जो डायलॉग होते हैं वो भी यहाँ पर सुने हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, मूवीज़ आप इजीली एंजॉय करेंगे। और ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा स्पीकर आप बोल सकते हैं यहाँ पर, जिसमें आपको डिसेंट ऑडियो सुनने के लिए मिलेगी, बट बेस आपको यहाँ पर एवरेज मिल जाएगा। यहाँ पर इसे कॉलिंग में भी चेक किया है तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं ब्लूटूथ स्पीकर को रिकमेंड नहीं करता हूँ कॉलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, एवरेज आप यहाँ पर बोल सकते हैं। तो कॉलिंग यहां पर मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूं इस स्पीकर के थ्रू। बाकी ओवरऑल म्यूजिक लिसनिंग में आप इसे डेफिनेटली यूज में यहां पर ले सकते हैं। मैं गाइस इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो Amazon पे ये स्पीकर लॉन्च हुआ है 999 रुपए में। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, तो 999 रुपए के हिसाब से मुझे काफी अच्छे स्पीकर लग रहा है यहां पर ये, क्योंकि आपको काफी अच्छी लाउडनेस मिल जाती है और ड्राइवर साइज भी काफी बड़ा है। अगर आपको जस्ट एक ऐसा स्पीकर चाहिए जो कि आप मूवीज देखने में या फिर आप वेब सीरीज देखने में एंजॉय कर सकें, या फिर लाउडनेस आपकी प्रायोरिटी है, तो डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हैं। बाय लिंक्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएंगे, डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। बाकी गाइस आपको बेस यहां पर एवरेज ही सुनने के लिए मिल जाता है। तो गाइस ये थी कंप्लीट वीडियो इसी Zebronics Zeb बिलो 40 स्पीकर की। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल यूजफुल जरूर से लगी, क्योंकि वीडियो कैसी लगी और स्पीकर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। अगर आप चाहते हैं इस स्पीकर का किसी अदर ब्लूटूथ स्पीकर के साथ कंपैरिजन तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा, डेफिनेटली वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगा। मेरा नाम है अपूर, फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर, देन बाय, जय हिंद जय भारत।